जी जनाब, क्या हाल चाल है? तो भाई, ये हमारे पास वही अंडरग्राउंड मोटर बोर वाली जो आजकल चल रही हैं, वही मोटर हमारे पास यहाँ पे लगी हुई है। यह उसका पावर बॉक्स है और यहाँ पे हमने उसका स्विच ऑन भी किया हुआ है, उसके बावजूद जो है टैंकी में पानी नहीं आ रहा। और यहाँ पर इसकी पावर सप्लाई भी जो है वो इस टाइम स्विच भी ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो उसमें कोई शो नहीं हो रहा। तो ये इशू जो है वो मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं। तो ये जी भाई, इस टाइम टैंकी में पानी जो है वो नहीं आ रहा, इवन के मोटर चल रही है। अच्छा जी, अगर आपको भी इस तरह का कोई भी घर पे इशू फेस आ जाए, तो आपने सिंपल करना कुछ नहीं है, आपने सिंपल आगे पहले जो है इसका मेन पावर का बटन ऑफ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने आना है इस पावर बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पर आपने इसका स्विच देख लेना है, स्विच इन है कि आउट है, आपने इसको ऑन रखना है। और उसके बाद ये ऊपर आपको एक काला सा स्विच नज़र आएगा, तो बेसिकली ये इसका एक ट्रिप वाला बटन होता है। समटाइम अगर कोई हल्का सा जो है लाइट कम ज़्यादा हो, तो उससे ये बटन जो है वो ट्रिप कर जाता है, इससे आपकी मोटर जो है वो सेव हो जाती है। तो आपने ये बटन बाहर निकलाया होगा, आपने जस्ट इसको फिंगर के साथ प्रेस करके इसको अंदर कर देना है। अंदर करेंगे तो साथ ही अब जब आप मोटर को ऑन करेंगे दोबारा, तो ये देखें जी, आपकी जो उसकी पावर की सप्लाई है वो ऑन हो गई है। अब मैं आपको दोबारा ऊपर टैंकी में भी दिखा देता हूँ कि टैंकी में जो है वो पानी आना शुरू हुआ है या नहीं। तो ये देखें जी, जैसे ही हमने उसका ट्रिप वाला बटन स्विच इन किया है जो कि बाहर निकला हुआ था, तो साथ ही अब भी टैंकी में पानी जो है वो दोबारा से भरना स्टार्ट हो गया है। तो भाई, इस तरह आप बहुत ही इजीली जो है खुद ही घर पर इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।